हाँ जी, खाले साहब आए, वो आपका पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं बैठा हूँ। अस्सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? ये मेरे दोस्त का घर है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अंकल, अब ये मेरा घर है, प्लीज मुझे इधर बार बार आके डिस्टर्ब मत कीजिए। डैड अपना कराची वाला घर और बाकी सारी जमीनें ताबा के नाम कर, ये तो आपको मालूम होगा ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी ये तुम लोगों का खानदानी मामला है। यही तो ज्यादा किया डैड ने, एक गैर के हवाले कर दिया सब कुछ। औसाफ ने कुछ सोचकर ये फैसला किया होगा। कहाँ जा रही है तू? भागने की कोशिश कर रही थी? तुझे तो मैं बता दूँ, तुझे तो मैं बता, निकल यहाँ से। मैं पूछने आया था ताबा के बारे में, कुछ पता चला? मुझे कोई और काम नहीं है, क्या मैं इधर फारिग बैठा हूँ? तुम्हारे बाप ने उससे निकाह किया था, निकाह की अहमियत जानते हो? जानता हूँ, लेकिन अगर वो किसी ऐसी वैसी औरत के साथ छुपकर निकाह करेंगे तो क्या मैं सबको संभालता फिरूंगा? चलता हूँ, फिर आऊंगा। सॉरी अंकल, आप डैड के दोस्त हैं मेरे, नहीं इधर मुझे बार बार आके ना डिस्टर्ब मत कीजिए करें। तुम मेरे बहुत खास दोस्त के बेटे हो और ये बात मैं भूल नहीं पा रहा। वैसे भी जब तक ताबा का पता नहीं चलता मैं यहाँ आता रहूँगा। अपने बाप के पुराने दोस्त को तुम्हें इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।